अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का जो ये व्लॉग है तो मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ, और आज हम सब गए थे रमीज़ मार्केट। जो लोग भी दमा में रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा कि रमीज़ मार्केट किधर है एंड ये कितने बिग एरिया में बनी है। बहुत बड़ी मार्केट है ये। मतलब आप यहाँ पर आओगे ना तो शॉपिंग करने के लिए आपको सभी कुछ ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, एंड इतनी सारी मार्केट है ना कि आप वन डे में यहाँ पर विजिट नहीं कर सकते हो। ये दमाम की सबसे बड़ी मार्केट है, एंड ये गोल्ड मार्केट भी है। यहाँ पर गोल्ड की बहुत सारी शॉप्स हैं, एंड गोल्ड मार्केट जो है ना वो भी बहुत बिग एरिया में बनी है। इस मार्केट के मेरे मंथली में 3 से 4 चक्कर लग ही जाते हैं, एंड मैं अपने हस्बैंड से यही बोलती हूँ कि चले ठीक है रमीज़ मार्केट चलते हैं आज, क्योंकि ये मुझे पर्सनली ये मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद है। इस मार्केट के बहुत सारे गेट्स हैं, एंड हम जब एंटर हुए थे तो हम 23 गेट्स से एंटर हुए थे। उसके बाद हम गए थे गोल्ड मार्केट। तो सबसे पहले हम यहाँ आए थे क्योंकि बस थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख ही लग रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, तो हमने कहा चले वहाँ पर कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सैंडविच ऑर्डर किया था और साथ में हमने चाय ली थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये जो एरिया इन्होंने बनाया हुआ था ना तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और बस ये सैंडविच हस्बैंड ने ऑर्डर किया था तो हमारे सैंडविच आ गए थे, तो हमने इसको इंजॉय करा, साथ में हमने अपनी चाय पी। उसके बाद हमें जाना था गोल्ड मार्केट, और ये कौन सा गेट नंबर है मुझे याद नहीं है, आई थिंक मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गेट नंबर यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप किसी भी गेट से एंटर हो सकते हो। और जिन लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है और जो लोग भी शॉपिंग के पर्पज़ से आते हैं तो वो डायरेक्टली उसी गेट से एंटर होते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो किसी भी गेट के अंदर चले जाते हैं। बट कोई नहीं, ये रमीज़ मार्केट बहुत बड़ी बनी है और आप जिधर भी जाओगे ना तो आपको सिर्फ शॉप्स ही शॉप्स यहाँ पर मिलेंगी, हर एक वैरायटी की एंड हर एक प्रोडक्ट्स की आपको यहाँ पर इजीली शॉप्स अवेलेबल मिलेंगी। आप किसी भी गेट से एंटर हो जाओ तो आपको सभी कुछ इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इस मार्केट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पर अगर आप शॉपिंग के पर्पज़ से आओगे ना तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में सभी कुछ इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, और कुछ चीज़ों के प्राइस हाई लेवल पर भी हैं, बट मोस्टली जितनी भी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं या आप शॉपिंग करने आते हो तो आपको बहुत अच्छे प्राइस में सभी कुछ यहाँ पर मिल जाता है। एंड ये जो गोल्ड मार्केट है यहाँ पर इन्होंने रमीज़ में बनाया हुआ है, तो ये बिल्कुल सीपरेट बनाया हुआ है। यहाँ पर बस सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड मार्केट है। आप जैसे ही एंटर होते हो ना तो सारी गोल्ड्स की शॉप स्टार्ट हो जाते हैं, एंड बहुत लॉन्ग वे में यहाँ पर इनके सारे गोल्ड्स के शॉप बने हुए हैं। बहुत सारे गोल्ड्स के यहाँ पर शॉप हैं तो इसलिए इसको गोल्ड मार्केट ही कहते हैं। और यहाँ पर 21 कैरेट भी गोल्ड अवेलेबल है एंड 22 कैरेट भी गोल्ड अवेलेबल है। जिन लोगों को अगर 21 कैरेट गोल्ड लेना है तो यहाँ ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली आई थिंक जितने भी शॉप हैं तो उसमें हाफ मतलब 21 कैरेट के हैं एंड हाफ जो है ना वो 22 कैरेट गोल्ड के शॉप्स हैं यहाँ पर। एंड इनके यहाँ पर जो गोल्ड्स के सारे डिज़ाइंस हैं तो उनके 22 कैरेट से ज़्यादा 21 कैरेट में इनके गोल्ड्स के मोर देन डिज़ाइन है एंड मोर देन वैरायटी है। मतलब जो आजकल के टाइम में चल रहे हैं यूनिक स्टाइल में, जैसे टर्किश हो गया एंड ये सऊदी स्टाइल है या सिग्नेचर ज्वेलरी है, तो इस तरह के इनके मोर देन कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल थे, एंड इनका न्यूली कलेक्शन भी बहुत अच्छा आया था। एंड ये जो गोल्ड मार्केट है रमीज़ में तो ये बहुत बड़ी मार्केट बनी है, और मैंने पूरा तो विजिट नहीं करा था, बस जितना विजिट करा था तो आप सबके साथ मैंने शेयर कर दिया। ये सारी लाइन से सिर्फ गोल्ड्स की ही ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। एंड ये रमीज़ मार्केट जो बनी है तो ये बहुत खूबसूरत बनी है, मतलब अंदर ही अंदर बनी है, आपको बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर एग्जिट होकर एक गेट से दूसरे गेट तक जाओ, आप अंदर ही अंदर भी आप जा सकते हो। आप पूरी मार्केट जो है ना वो यहाँ पर ईजिली घूम सकते हो, बहुत अच्छी मार्केट बनी है ये। और मैं बहुत टाइम के बाद इस गोल्ड मार्केट में आई थी, रमीज़ के तो मेरे बराबर चक्कर लगते रहते हैं, बट इस गोल्ड मार्केट में बहुत टाइम के बाद आई थी, तो बस यहाँ पर मैंने विजिट कर लिया था। उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी रमीज़ से, तो बस मैं दूसरे गेट की तरफ चली गई थी। वहाँ से मुझे जो भी चीज़ें बाय करनी थी तो बस मैंने बाय करी, एंड जो भी मैंने शॉपिंग करी थी रमीज़ मार्केट के तो उसके वीडियोज़ मैं नहीं बना पाई थी। और रीज़न यही था कि मैं इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, क्योंकि गोल्ड मार्केट में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया था, तो शॉर्ट टाइम की वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे कि मैंने क्या शॉपिंग करी है, क्योंकि जब शॉर्ट टाइम होता है तो उसमें फिर शॉपिंग भी नहीं हो पाती है, फिर वीडियोस भी इतना माइंड से नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा मोबाइल चले ठीक है पर्स में रखते हैं और जो भी शॉपिंग करनी है तो मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी।
शॉपिंग हमारी डन हो चुकी थी, उसके बाद हम चले गए थे रमीज़ मार्केट से, हम निकल गए थे और बस हम डिनर करने आए थे। डिनर करने का प्लान हमारा बन गया था पहले से ही, कि हमने डिसाइड कर लिया था कि डिनर हम बाहर ही करते हैं, और बस सिंपली से हमने डिनर करा था, कुछ भी मैंने वहाँ पर वीडियो शूट नहीं किए थे। एंड ये मैकडोनल्ड्स है, हम अपने पार्किंग एरिया में कार की तरफ जा रहे थे, आउटसाइड हमने कार पार्किंग करी थी। सो ये बीच में मैकडोनल्ड्स दिखा हमें, और यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था जिस तरह से पहले रश होता था। सो बिल्कुल भी यहाँ पर रश नहीं है, मोस्टली लोगों ने यहाँ पर बायकॉट करके रखा है मैकडोनल्ड्स को। ये जो मैकडोनल्ड्स का ड्राइव थ्रू है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता था, जब भी हम यहाँ से आते थे या जाते थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता था। इवन कि मील जो भी लोग ऑर्डर करते थे ना, तो उनको 10 से 15 मिनट यहाँ पर मोस्टली वेट ही करना पड़ता है ड्राइव थ्रू में, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है। बट अभी सब ने बॉयकॉट करके रखा हुआ है। बस ब्लॉग करते हैं यहीं, एंड आई होप सो मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।